अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में जमान में रखे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल बॉक्स पेटीज। आप इसी रेसिपी से चिकन की भी बना सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम वेजिटेबल बना रहे हैं। तो चलिए आए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार सी और हेल्दी सी बॉक्स पेटीज बनने वाली है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 4 अदद आलू ले लिए हैं। ये उबले हुए आलू हैं, इनको हम मैश कर लेते हैं। और मैश करने के बाद इसको बारीक मैश कर लें, आप किसी भी कांटे से या चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह मैश कर लेना है। अब आलू मेरे मैश हो चुके हैं, अब हम इसमें डालते हैं वेजिटेबल। वेजिटेबल में मैंने ली है बंद गोभी मैंने 2 टेबलस्पून लिया है, शिमला मिर्च भी मैंने 2 टेबलस्पून लिए हैं, गाजरी भी 2 टेबलस्पून है, हरी प्याज भी 2 टेबलस्पून है, और उबले हुए कॉर्न हैं ये भी 2 टेबलस्पून है। ये सब चीज़ें मैंने बारीक चॉप कर ली हैं। अब हम इन्हें अपने उबले हुए आलुओं में मिक्स कर देते हैं। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे और 1/2 टीस्पून ही हम इसमें नमक डालेंगे। इसके अलावा अब इसमें और कोई चीज़ भी नहीं हम शामिल करेंगे, क्योंकि ये हम प्योर वेजिटेबल बना रहे हैं। बस अब इस मिक्सचर को अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। आलू बिल्कुल बारीक मिक्स कर लें, वरना पेटीज बनाते हुए टूट जाएंगे और समोसों की पट्टियाँ जो हैं आम मिल जाती हैं। हम उसी से ये बनाने वाले हैं। तो एक पट्टी आप इस तरह रखें, दूसरी इसकी अपोजिट साइड पर रख दें और दरमियान में अपना सारा मिक्सचर रख दें। और थोड़ा सा पानी में मैंने कॉर्नफ्लोर को घोल के रखा हुआ था, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कॉर्नफ्लोर को घोल के रखा हुआ है और वो इस तरह लगा के हम इसको बंद कर देंगे। इसी तरह हम इसको अपोजिट साइड पर लगाएंगे और बंद कर देंगे बॉक्स पेटीज को अपनी। इसको ध्यान से बंद करना है अच्छी तरह, ताकि ये खुले ना ही। देखेंगे हमारी बॉक्स पेटीज बहुत अच्छी सी तैयार हो गई है। इसी तरह हम अपनी बाकी भी तैयार कर लेते हैं। आप सेम रेसिपी से चिकन की भी तैयार कर सकते हैं, आप कीमे की भी बॉक्स पेटीज तैयार कर सकते हैं। अंदर की फिलिंग जो आप अपने फ्लेवर के मुताबिक बना सकते हैं। रमज़ान के हवाले से ये बहुत बेस्ट रेसिपी है, क्योंकि हेल्दी है ये और स्पाइसी ज़्यादा खाया नहीं जाता रमज़ान में। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले ये जो कॉर्नफ्लोर का पानी मैंने बना के रखा हुआ था इसमें मिक्स किया, उसके बाद ये ब्रेड क्रम्स लगाए इसके अच्छी तरह। और इसी कंडीशन में हम इसको फ्रीज़र भी कर सकते हैं, 8 कंटेनर में डाल के हम इसे फ्रीज़र भी कर सकते हैं। और इसी तरह हम अपनी बाकी बॉक्स पेटीज को भी ब्रेड क्रम्स लगाते हैं और फ्राई कर लेते हैं। बच्चों के लंच के हवाले से भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये। कितना अच्छा कलर आ चुका है इसका और बहुत मज़े की और क्रिस्पी सी ये, क्योंकि हमने इसे ब्रेड क्रम्स लगाए तो जिसकी वजह से ये बहुत क्रिस्पी बने। देखिए कितना अच्छा लुक है। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिन्होंने किया हुआ उनका थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।